हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का साइंस सर्किल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशली एसएससी जीडी और बिहार पुलिस मद निषेध वालों के लिए। तो फटाफट सभी जुड़ जाएंगे क्योंकि आज बहुत ही खास होने वाली है ना। चलिए तो जल्दी धुआं धुआं उड़ा देंगे आज। बिल्कुल भाई अभिषेक जी, पूरे जोश और जुनून के साथ आ जाना है। तो फटाफट जुड़ जाइए सभी आदमी और देखते हैं आज का जलवा भाई किसका किसका होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आज का सेशन आगाज करते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को आगाज करते हैं। तो उससे पहले का आगाज, रन की युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। तो जल्दी जुड़ जाइए बहादुर। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है? चलिए क्वेश्चन वन का जवाब देंगे जी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सभी का, बहुत ही खतरनाक। चलिए जल्दी जवाब देंगे सभी आदमी। और अभिषेक जी बहुत ही शानदार, मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को तहे दिल से आज के इस नए सेशन में स्वागत है, वेलकम है। और आज ये उठा लीजिए पेन और कॉपी और एक एक क्वेश्चन को आंती उछलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पांच देश दोस्तों अस्थाई सदस्य है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा देश है? तो देख लीजिए, पहला नंबर पे आ जाएगा भाई चाइना हो जाएगा, है ना, चीन हो जाएगा, उसके बाद फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों रूस हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, है ना, ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, है ना, उसके बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका USA हो जाएगा। यानी ये पांच देश दोस्तों याद रखिएगा, ये कौन सा देश कहाँ ये अस्थाई सदस्य है संयुक्त, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य। पहला है चीन है, फ्रांस है, रूस है, UK है, USA है। तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा करेक्ट जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सभी का। चलिए क्वेश्चन टू का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन टू का जवाब देंगे सभी आदमी जी। बिल्कुल सभी को आ जाना है, फटाफट जुड़ जाइए। बिल्कुल ज्योति जी, मनोज जी, ब्यूटी जी, सभी का तहे दिल से आज के इस सेशन में स्वागत है, वेलकम। चलिए, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम से किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से कौन सा जगह प्रख्यात है, फेमस है? चलिए बताइएगा जी। और मैं सभी आदमी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ सभी आदमी सेशन को लाइक कर देंगे, है ना। हाँ, सभी आदमी लाइक करते हुए आ जाना है सभी को। चलिए तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का। देखिए दोस्तों, सिलिकॉन घाटी के नाम से ये कौन सा हो जाएगा भाई? बेंगलुरु, जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हाँ, और दोस्तों इसे ही दोस्तों साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, है ना, साइंस सिटी बाई बेंगलुरु को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है ना। हाईटेक सिटी जो है ये हैदराबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। सात टापुओं का शहर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, है ना। इसी से संबंधित दोस्तों एक है साइलेंट वैली किसको कहा जाता है? तो साइलेंट वैली दोस्तों याद रखिएगा, वो केरल राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज अगला सवाल, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए लिनक्स एक क्या है भाई? बिल्कुल धानु आर्मी जी भी जुड़ चुके हैं, मनोज जी, सभी बहुत ही शानदार परफॉर्म है। चलिए क्वेश्चन थ्री का बताएंगे क्या होगा। लिनक्स एक क्या है? चलिए बताइएगा फटाफट सभी आदमी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, है ना। ए ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला सवाल आ जाइए, अगला सवाल बताइएगा। थोड़ा सा ये लेंदी सवाल है, इसको नेगलेक्ट करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का जवाब दीजिए। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रामेश्वरम जो है ये किस राज्य का हिस्सा है? चलिए जल्दी तो क्या हो जाएगा सही जवाब, फटाफट बताइएगा सभी आदमी।
घर पर नंबर नहीं चाहिए। लाइव क्लास के बाद लाइव के बाद चलिए बताइएगा फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, रामेश्वरम किस राज का हिस्सा है भाई, सभी को पता है, बहुत ही शानदार परफॉर्म है, गर्धांश राज का है। देखिए दोस्तों, रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में स्थित है, है ना, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है ये। कहाँ भाई? तमिलनाडु में स्थित है। और भगवान राम दोस्तों यहीं पर जो है ना, इसी होकर के जो है ना, कहाँ गए थे दोस्तों? श्रीलंका गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तमिलनाडु हो जाएगा सही जवाब। तमिलनाडु के तट को बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, कोरोमंडल क्या कहा जाता है? कौन सा मंडल भाई? कोरोमंडल कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही खतरनाक तैयारी आप लोग का, गर्धांश राज का है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा। बताइए निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है भाई? बहुत ही खतरनाक है ना, 6 नंबर जो है बहुत ही शानदार, लल्लन टॉप है भाई। सार्क देश का सदस्य नहीं है, फटाफट बताइएगा जी। बहुत ही शानदार, ये देखिए मनोज जी, अभिषेक जी, धानु जी, ब्यूटी जी, भाई सभी का तहे दिल, बहुत ही गर्दा गर्दा परफॉर्म है, यही जोश जुनून पागलपन होना चाहिए दोस्तों। और देखिए अभी तक जो भी सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट सभी आदमी लाइक करते हुए जाना है दोस्तों। चलिए बताइएगा, बिल्कुल साक्षी जी बहुत ही शानदार परफॉर्म है। चलिए बहादुर फटाफट बताएंगे तो क्या होगा सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा, कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, म्यांमार देश दोस्तों, याद रखिएगा, ये सार्क में नहीं आता है दोस्तों, म्यांमार सार्क में नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा। आखिएगा कौन कौन सा देश आता है भैया? तो वो आता है भारत, तो भारत आता है, उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान आता है, मालदीव आता है, भूटान आता है, नेपाल भी आता है, उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश भी आता है, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन में हो जाएगा बी होगा करेक्ट जवाब। और सार्क का दोस्तों, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में, काठमांडू में दोस्तों, याद रखिएगा सार्क, ठीक है। चलिए आजिए अगला सवाल। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए रितेश भी जुड़ चुके हैं, है ना, लाइक करते हुए सभी को आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्म है भाई। चलिए बताइएगा तो क्या होगा सही जवाब। बताइए पोखरण 2 का परीक्षण कब हुआ था दोस्तों, बताइएगा फटाफट आंसर आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही शानदार आज का आंसर आज का है भाई, 11 मई 1998, है ना, 11 मई 1998 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार, रिया राज भी जुड़ चुके हैं, फटाफट आज ही सभी आदमी, है ना। और अगला सवाल देखते हैं भाई, कौन कौन इसका गर्दा करते हो, गर्दा गर्दा मचनी चाहिए दोस्तों। चलिए बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना, CTBT को कब अपनाया था दोस्तों, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल बिल्कुल रियाराज, ज्योति जी, मनोज जी, धानु जी, कुमारी, श्वेता, बहुत शानदार परफॉर्म है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा। देखिए दोस्तों, CTBT जो है ना, सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण, चाहे वो सैन्य हो या नागरिक प्रकृति हो, है ना, सबको यहाँ पर परीक्षण जाता है, ठीक है। और इस संधि को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 दोस्तों इसको अपनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन में ये होगा करेक्ट जवाब। बहुत ही शानदार बहादुर, बहुत ही खतरनाक। चलिए दोस्तों आज अगला सवाल, एक एक क्वेश्चन दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बताएगा, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज में मिले हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए साक्षी जी बहुत ही शानदार। और देखिए अभी तक सभी आदमी लाइक नहीं किए सेशन को, यार सेशन को लाइक कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, है ना, क्योंकि आज बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। चलिए बहादुर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आज का है। और ये साक्षी जी, अभिषेक जी, बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आज का है दोस्तों। हाँ, गर्दा परफॉर्म है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो याद रखिए दोस्तों, ये महाराष्ट्र में मिले हैं। कहाँ पे हो दोस्तों? महाराष्ट्र में मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हाँ, और अजंता की गुफा भी दोस्तों कहाँ है? अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में है दोस्तों, याद रखिएगा, अजंता की गुफा, है ना, बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अगला सवाल और ये ज्योग्राफी का सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन भाई क्या चीज़ है? चलिए क्वेश्चन 10 का बताएंगे जी। धानु जी, कुमारी, श्वेता जी, मनोज जी, रियाराज, बहुत ही शानदार परफॉर्म है। चलिए बताइएगा। हाँ, सभी आदमी से एक बार गुजारिश है कि प्लीज सभी आदमी सेशन को शेयर कर देंगे, अपने सभी को दोस्तों को जोड़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन 10 का बताएंगे। तो 10 नंबर का जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत ही शानदार। एक क्या भाई, ये एक गर्ग है, खंडर है ना, क्या भाई, खड्डर है। ऑप्शन में ए होगा करेक्ट जवाब।
जी रिया राज बहुत ही शानदार परफॉर्म है। चलिए आ जाइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, बताइए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है भाई क्या होता है, चलिए बताइएगा। चलिए 11 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, 11 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही शानदार जवाब आज का है रियाराज का, बहुत ही शानदार 11 नंबर का। और ये साक्षी जी बहुत ही शानदार, रियाराज बहुत ही खतरनाक। देखिए दोस्तों किसी स्थान का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है भाई वो देशांतर रेखा से किया जाता है, क्या कौन सा रेखा भाई, देशांतर रेखा से किया जाता है, ये आपको याद रखना है, है ना। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है, इस कारण एक ही देश में देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है, कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, करीना जी भी जुड़ चुके हैं, फटाफट आ जाइए सभी आदमी, लाइक करते हुए आ जाना है सभी को। चलिए और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इवर, चलिए बताइएगा बोडो जनजाति दोस्तों यानी बोडो निवासी कहाँ के है भाई। चलिए बिल्कुल सिंपल जी भी जुड़ चुके हैं, फटाफट आ जाइए सिंपल जी, लेट नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन 12 का जवाब देंगे सभी आदमी जी, बहुत ही शानदार परफॉर्म है, और देखिए सभी आदमी लाइक नहीं किए हैं, सभी आदमी लाइक कर देंगे। चलिए 12 नंबर का बताइएगा क्या होगा। बहुत ही अच्छा परफॉर्म है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक। देखिए दोस्तों बोडो जनजाति जो है ये भारत के, देखिए दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है ये, अगर आप लोग अगर इंडिया में आइएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया में दोस्तों जो है ना बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भाग में पाया जाता है, कौन सा भाग में भाई, पूर्वी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो पूर्वी भाग में दोस्तों कौन कौन सा राज्य आता है, असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है। तो मेघालय में दोस्तों एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी भाई, गारो खासी जयंतिया जनजाति भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये गारो पहाड़ी में दोस्तों कौन सा निवास कर, कौन निवास करते हैं, तो वो बोडो जनजाति निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 जवाब दीजिएगा, बताइए पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, चलिए कमेंट करके बताइएगा सभी आदमी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। तो देखिए दोस्तों पनामा नहर जो है ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम पनामा नहर का होता है, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। हाँ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, ठीक है। हाँ याद रखिए दोस्तों उत्तरी महासागर और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को भाई अलग करती है, लेकिन अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो चलिए हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक। आज अगला सवाल बताइए, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एटना क्या है, क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फटाफट जल्दी जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। अच्छा एक मिनट भाई, ओहो माय गॉड, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर देखिए यहाँ जोड़ती है ना, ओ जोड़ती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर, ठीक है। हाँ आंध्र महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी बी होगा सही जवाब। अगर अलग करता तो ये हो जाएगा, देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है पनामा नहर, है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए चलिए थैंक्स अभिषेक जी, चलिए क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिए, माउंट एटना क्या है भाई। चलिए बाप रे बाप, माउंट एटना दोस्तों याद रखिएगा ये एक ज्वालामुखी है, क्या है भाई, एक ज्वालामुखी है दोस्तों, वोल्केनो है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो नाम से ही पता चलता है एटना इटली में पाया जाता है, तो इटली के दोस्तों, इटली के एक शहर है दोस्तों सिसिली, है ना, इटली के सिसिली में दोस्तों याद रखिएगा माउंट एटना जो है ना ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए आ जाएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए बताइएगा, हिमालय का पर्वत पर्वतपदीय प्रदेश कहा जाता है कौन सा हिमालय को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म है। चलिए बताइएगा 50 नंबर का क्या होगा भाई? सभी आदमी एक बार सभी आदमी सेशन को शेयर कीजिए यार, सबको जोड़िए, सबको शेयर कीजिए, सबको बोल दीजिए आ जाइए। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है ये शिवालिक हिमालय को कहा जाता है ना, क्योंकि दोस्तों ये सबसे निचला भाग होता है हिमालय का, है ना, शिवालिक हिमालय है ना, याद रखिएगा, इसे दोस्तों पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों हिमालय को चार भागों में बांटा गया, कितने भाग में? चार भाग में बांटा गया है हिमालय को। पहला होता है दोस्तों ट्रांस हिमालय, जो कि चाइना में ये हिमालय चल जाता है। उसके बाद दोस्तों बृहद हिमालय आ जाता है, वृहद हिमालय यानी इसी को बोलते हैं महान हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय बोलते हैं, उसके बाद शिवालिक हिमालय होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका हाँ सभी आदमी शादी गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, शादी भी होनी चाहिए भाई। चलिए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 16। चलिए बताइएगा 16 नंबर का क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जिसके रगों में खून के बदला जुनून दौड़ेगा दोस्तों, वही बब्बर शेर एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं करेंगे। चलिए बताइएगा, तो देखिए दोस्तों भारत में जो है रबर उत्पादक जो है पहला राज्य कौन है, उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा भाई केरला। क्या हो जाएगा भाई? केरल हो जाएगा, है ना। हाँ थोरियम उत्पादन में दोस्तों यही एक नंबर पे है, सबसे पढ़ल लिखल भी यहीं पर मिलेगा आपको, है ना। चलिए तो केरल जो हो जाएगा दोस्तों रबर उत्पादक में पहला नंबर पे है दोस्तों, याद रखिएगा केरल हो जाएगा करेक्ट जवाब। कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक नंबर वन में है। कॉफ़ी कौसे, कॉफ़ी कौसे कर्नाटक दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आज अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 का होगा, बताइए आम्र वर्षा क्या है भाई? चलिए 17 नंबर का बताइएगा जी, बहुत ही शानदार परफॉर्म है सभी का, बहुत ही खतरनाक रियाराज सोनी जी सिंपल जी। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, एक बार सभी आदमी सत्संग शेयर कीजिए तो, हाँ सबको जोर लीजिए तो, और बोल दीजिए पूरा जोश और जुनून के साथ बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब आ चुका है भाई, 17 नंबर का बताइएगा। देखिए तो बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को बोलते हैं आम्र वर्षा, यानी कि आम का बौछार होता है, पता चलेगा आम ही खाली छूटेगा, है ना, आप लोग तो खा ही लीजिएगा आम, है ना, ऐसे में आम वर्षा होगा ही नहीं। तो बिहार और बंगाल में भाई मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन तो देखिएगा दोस्तों, हमको लगता है कि 100% चलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भाई बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बताइएगा इसका, देखते हैं 18 नंबर का भाई, कौन भंगड़ा फोर करते भाई, किसके अंदर वो जुनून है, किसके अंदर वो पागलपन है दोस्तों। और देखिए अभी तक जो भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी आदमी लाइक कर देंगे फटाफट भाई, है ना जी। बहुत ही शानदार जवाब आज का अभिषेक जी, का खतरनाक भाई, है ना। हाँ साक्षी जी और नीरज जी, अभिषेक जी, सोनी जी, प्रीति जी, सभी का भाई तांडव मस्ता हुआ, तांडव, बहुत ही शानदार यार आज। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, तब ये हो गया भाई पश्चिमी घाट, उसके बाद दोस्तों इधर से आ जाता है पूर्वी घाट, ये दोनों आकर के भाई यहाँ पर मिल जाता है, तो ये कौन सा भाई? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सा भाई? नीलगिरी की पहाड़ी पर दोस्तों ये दोनों मिल जाता है, ऑप्शन में बी होगा करेक्ट जवाब। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही दोस्तों क्या एक भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति है ना, यही पर पाया जाता है। नीलगिरी की दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोदाबेटा। क्या हो जाएगा? दोदाबेटा। लेकिन साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा अनाई मुंडी हो जाएगा। चलिए आज अगला सवाल बताइए तो, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है भाई क्या चीज़ का? का खतरनाक तैयारी आप लोग का भाई, धुआं धुआं हो चुका है, यही तो है धुआं। ये क्वेश्चन दोस्तों एक ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आती उछला देना है दोस्तों, है ना। हाँ जब तक टूटे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए हाँ बहुत ही शानदार परफॉर्म है जी जी धानु जी, पार्टी मिलेगा भाई, है ना। हाँ हाँ बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, पार्टी जरूर मिलेगा भाई, है ना। चलिए बताइएगा, हाँ पहला पेमेंट आएगा तो आप लोग को पार्टी ही मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा
भारत अपनी आवश्यकता से अधिक, भाई क्या चीज उपहार है भाई। देखिए प्रीति जी का खतरनाक जवाब है, लीजिए चाय, लीजिए चाय, लीजिए, तो भाई चाय हो जाएगा, है ना। इसलिए भारत जो है ना सबसे ज्यादा ये उत्पादन करता है, यहाँ का आदमी खाली चाय पी करके अपना माइंड फ्रेश करता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक कर लेता है। चाय उत्पादन में पहला नंबर राज्य कौन हो जाएगा भाई, असम हो जाएगा, असमिया भैया याद रखिएगा, है ना। हाँ जी, ये ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। जी अगला सवाल देखते हैं, इसका भाई भांगड़ा फोर कौन कौन करते हैं, 20 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक, जबरदस्त। और देखिए अभी तक आप लोग सेशन को यार लाइक नहीं कर रहे हो सभी आदमी, क्या बात है यार, सभी आदमी फटाफट लाइक करो यार। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। और अभी तक देखिए कम से कम 20 आदमी लाइव में है, बट लाइक देख रहे हैं 6 आदमी किए हैं, कितना शर्म की बात है भाई, है ना। हाँ आप लोग तो मतलब क्या कीजिएगा पता है, थोड़ा सा चुरू भर में पानी लीजिएगा, उसमें नाक रगड़ के ऐसे से कर लीजिएगा, बार बार बोलना पड़ रहा है भाई, है ना। सब्सक्राइब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको तो खुद शर्म आने लगता है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा भाई, टपकेगा ये क्वेश्चन, है ना। देखिए अगर आप लोग इंडिया में आइएगा दोस्तों, तो ये हो गया अरब महासागर दोस्तों, इधर हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया दोस्तों बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से दो नदी निकलती है, एक है दोस्तों नर्मदा नदी, एक है नर्मदा नदी, एक है दोस्तों याद रखिएगा ताप्ती नदी, है ना। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है दोस्तों वो पश्चिम की ओर जा करके गिरती है नदी, याद रखिएगा। बाद बाकी जितना भी नदी है भाई सब बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो नर्मदा भी हो जाएगा और ताप्ती भी हो जाएगा, तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जिसका रहा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। हाँ ये होगा करेक्ट जवाब, बहुत ही शानदार। अरे यार खतरनाक, देखो समय 21 का बताइएगा, बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान भाई कहाँ स्थित है, 21 का देखते हैं भाई, कौन कौन धुआं धुआं उड़ाते हो भाई, बहुत ही शानदार परफॉर्म है, बहुत ही पूरे जोश और जुनून के साथ बहादुर जुड़ चुके हैं, है ना। हाँ न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने में, बहुत ही शानदार। मनोज जी, सोनी जी, प्रीति जी, गर्दांश राज का भाई धुआं धुआं हो चुका है, बहुत ही शानदार परफॉर्म है ना। चलिए तो जितना हो सके दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, चाहे आपका प्राइवेट दोस्त भी क्यों ना हो, सबको शेयर कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, नहीं तो फिर दूसरा का प्राइवेट हो सकता है भाई, है ना। हाँ चलिए तो बताइएगा 21 का क्या हो जाएगा भाई, 21 का बिल्कुल सही जवाब आज का दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान दोस्तों नागपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, नागपुर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आखिएगा कब हुआ था स्थापना, तो 1958 में हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1958 में हुआ था, है ना। राष्ट्रीय वन अनुसंधान दोस्तों, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है भाई, देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है, है ना। चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ भाई अगला सवाल बताइए, तो बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए कौन कौन है भाई, 32 देखते हैं इसको भाई, कौन कौन धुआं धुआं उड़ाते हो जी, बहुत ही शानदार परफॉर्म है, बहुत ही गर्दांश राज का है। चलिए बताइए तो 22 का बिहार वाले राजमार्ग यानी NH दोस्तों कौन कौन है, फटाफट बताइएगा दोस्तों जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही गर्दांश राज का है, बताइए फटाफट 22 का क्या होगा सही जवाब, तो हो जाएगा भाई ये NH2 हो जाएगा, है ना। हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 2 गुजरता है, डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब, नीरज जी बहुत ही शानदार परफॉर्म है। आज ही दोस्तों अगला सवाल, और ये क्वेश्चन आई थिंक कल भी हो चुका था, लेकिन आज के ही भाई प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बार बार भाई रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग पूरा जोश और जुनून के साथ भाई देखना है आप लोग को, है ना। हाँ क्योंकि दोस्तों जिसके अंदर हौसला होता है भाई, पागलपन होता है, वो कुछ भी कर सकता है। चलिए बताइए, मनोज जी, रियाराज बहुत ही शानदार परफॉर्म है, चलिए बताइएगा, और देखते हैं इसको नस्ते नाबूद करने के लिए कौन वीर बहादुर सामने आते हो भाई, फटाफट बताइएगा जी, बहुत ही शानदार परफॉर्म है भाई, गर्दा आती उछल गया क्वेश्चन का भाई, है ना। 1885 में दोस्तों क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, किसके द्वारा, तो AO Hume के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, AO Hume के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और पहला जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है भाई, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई में होता है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन पहला कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, WC Banerjee ने किया था, कौन, WC Banerjee ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आजिए अगला सवाल, अरे यार खतरनाक, और हिस्ट्री का सवाल आज का भाई, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी में नहीं है भैया, यानी गरम पंथी में, देखते हैं इसको कौन कौन आती उछलाते हो भाई, चलिए फटाफट आती उछला दो भाई। और देखिए आप लोग यार सेशन को यार लाइक तो करो यार सभी आदमी, पर चलिए बताइए तो, बहुत ही शानदार परफॉर्म है नीरज जी, सिंपल जी, बहुत ही गर्दांश राज का भाई,
देखिए दोस्तों 24 का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्म है ना। हाँ गर्दा गर्दा, देखिए दोस्तों यहाँ इसमें जो है लाल पाल बाल गरम पंथी दोस्तों वो नेता थे, लाल पाल बाल यानी बाल बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों ये गरम पंथी नेता थे दोस्तों, पूरा गोशियाल जाता था है ना। लेकिन ये गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, ये आरसी दत्त हो गया, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये सब भैया नरम दल का नेता था है ना। चलिए आ जाएगा लास्ट वाल 25 बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभाव में आ गया था भाई कब, बताएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई है ना, छपने वाला प्रश्न है, बताएगा फटाफट जी। बहुत ही शानदार साक्षी जी, बहुत ही खतरनाक। और देखिए आप लोग यार सेशन को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, सभी आदमी सेशन को शेयर कीजिए भाई फटाफट। चलिए बताइए, देखिए दोस्तों याद रखिएगा 1906 के बाद कब भाई, 1906 के बाद जो होता है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के दौरान नरम और गरम दल में क्या होता भाई, अत्यधिक मतभेद हो जाता है ना। 1907 जो है तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ए होगा करेक्ट जवाब जी, ए ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा है ना। और गरम पंथी के हाथ में ये अब आ जाता है, बोलता है कि अब हम आप लोग का बात नहीं मानने वाले हैं, याद रखिएगा ठीक है। चलिए आज अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुआ भाई, 26 का बताइएगा जी। मनोज जी बहुत ही शानदार, साक्षी जी, सोनी जी बहुत ही खतरनाक जवाब आज का है। चलिए 26 का बताएंगे सभी आदमी भाई है ना। अच्छा देखते हैं आज कम से कम 20 लाइव में कौन कौन पढ़ाते हैं है ना, एक बार सभी आदमी सेशन को शेयर करेंगे तो है ना, एक बार सभी आदमी सेशन को शेयर करेंगे और सबको जोड़ लीजिए तो कम से कम आज 20 लाइव आना चाहिए। चलिए 26 का बताइएगा। हाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना भाई कब होता है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का आशय मतलब इसका मतलब है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज से है ना, आज़ाद हिंद फौज से है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज से है दोस्तों है ना। इसका गठन दोस्तों याद रखिएगा 30 मार्च 1942 दोस्तों 1942 में है ना टोक्यो में होता है दोस्तों, रास बिहारी के द्वारा है ना। हाँ और दोस्तों इस कैप्टन मोहन सिंह के विचार से दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। उसके बाद दोस्तों पहले डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी होगा करेक्ट जवाब, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा बहादुर, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन भाई छपने वाला प्रश्न है। चलिए बताइए 27 भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे भाई, क्या थे भाई जल्दी बताइएगा जी। बहुत ही शानदार साक्षी जी, अनुपम जी बहुत ही शानदार है ना, खतरनाक। सभी आदमी से गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर करेंगे, सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक में स्टेटस में लगा लेंगे ताकि आज कम से कम 20 लाइव होना चाहिए है ना। चलिए अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई हो सकता है। चलिए बताइएगा 27 का बताएंगे जी, बिल्कुल एचबीटी ब्रदर इतना लेट से भाई काहे चूरते हैं भाई। चलिए बताइएगा 27 का क्या होगा, 27 देखिए दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करता भाई, ए ओ ह्यूम करता है, कौन करता है ए ओ ह्यूम करता है, 1885 में करता है, सबको पता है ना। ए ओ ह्यूम दोस्तों एक सिविल सेवक है, क्या थे भाई एक सिविल सेवा मतलब रिटायर अधिकारी थे ठीक है। हाँ और दोस्तों 1885 में डफरिन लॉर्ड डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया है ना, और इसके पहले महासचिव बने थे दोस्तों, इसके पहले महासचिव बने थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बताइए क्या होगा, तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये असैनिक सेवक थे है ना। हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए आज अगला सवाल, और ये दोस्तों बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, बताइएगा बीपीएससी का पूछा गया सवाल है भाई, बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। चलिए बताइए फटाफट जी, बहुत ही शानदार परफॉर्म है, बहुत ही खतरनाक। और सभी आदमी से गुजारिश है कि सेशन को शेयर करेंगे, सभी को जोड़ लीजिए है ना। और देखते हैं कौन है वो वीर बहादुर, अरे यार देखिए घट ये गया है, अब नहीं बोलेंगे। चलिए बताइएगा तो इसका सही जवाब आज का, बहुत ही शानदार धानो जी, साक्षी जी बहुत ही शानदार, अभिषेक जी 1931 हो जाएगा दोस्तों सही जवाब। 1931 में दोस्तों याद रखिएगा राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी का सजा मिल जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही मतलब निर्दय घटना होता है दोस्तों, याद रखेंगे। लॉर्ड इरविन के समय, किसके समय दोस्तों, इरविन के समय है ना, इरविन के समय दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों
देखिए दोस्तों, ये दोनों मतलब क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। देखिए कितना खतरनाक सवाल है ना। देखिए हमको लगता है बीपीएससी यहीं से दो गो क्वेश्चन उठाया था, है ना, बीपीएससी जो है यहीं से दो गो क्वेश्चन उठाया था भाई। देखिए दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ देखिए बीपीएससी में जो है ना जनरल ओ डायर भी था लेकिन और माइकल ओ डायर भी था, लेकिन आंसर जो लिया है माइकल ओ डायर लिया है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली दोनों था, है ना। हाँ तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अरे यार खतरनाक जवाब आज धानु जी, क्या गजब हंसराज का भाई, धुआं धुआं हो चुका है ना। देखिए दोस्तों जनरल ओ डायर का भाई उधम सिंह ने ना ये गोली मारी थी। क्यों दोस्तों, जनरल ओ डायर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में दोस्तों ये निहत्थे आदमियों पर भाई क्या चला देता है, गोली चलवा देता है ना। और ये उधम सिंह जो है लंदन में जा करके इसको 1940 में, कब 1940 में दोस्तों इसको टपका देता है उधम सिंह को, याद रखिएगा, है ना। डी होगा सही जवाब, उधम सिंह हो जाएगा करेक्ट जवाब। आज अगला सवाल बताइए, एक ही क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आज। चलिए तीन नंबर का बताइएगा, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी भाई बहुत ही शानदार भाई, खतरनाक। चलिए बताइए फटाफट, चलिए सिंपल जी, बहुत ही शानदार प्रीति जी, फटाफट बताइएगा क्या होगा भाई जवाब इसका, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करिए सभी आदमी फटाफट। और देखते हैं कैसा जवाब आता है भाई, बिल्कुल धानु बहुत ही शानदार, स्वराज पार्टी का गठन भाई इसकी सफलता की, है ना। हाँ उसके बाद दोस्तों दोनों मिलकर के, है ना। हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में होता है, सबको पता है, है ना। चलिए फिर आ जाइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 31 नंबर का बताइएगा, INA की स्थापना हुई थी कब हुई थी, बताइए तो INA की स्थापना कब हुई थी। हाँ प्रॉब्लम हुआ रहा है क्या, एक बार क्या दिक्कत हो रहा है क्या, INA की स्थापना भाई कब होता है, चलिए बताइएगा कहाँ हुआ था। 31 का बताइए फटाफट, तो 31 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बहुत ही शानदार जवाब आ चुका है। अभिषेक जी बहुत ही खतरनाक, सर क्लियर नहीं चल रहा है, अच्छा अब दिखाइए, अब बताइएगा, अब बताइए क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए दोस्तों ये सिंगापुर में, है ना, सिंगापुर में इसका स्थापना हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 32 नंबर का बताइएगा, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, 32 नंबर का बताइए सभी आदमी फटाफट जवाब दीजिए, तो क्या होगा सही जवाब। नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए कितना अच्छा चल रहा है, आप लोग बोले खाली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। चलिए बताइएगा फटाफट सभी आदमी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब आज का है। चलिए तो 32 नंबर का क्या होगा सही जवाब, तो देखिए 23 नंबर दोस्तों 1919, है ना, दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, कौन किया था भाई, महात्मा गांधी जी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए फिर आ जाइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 का बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए फटाफट, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था भैया, कितना वर्ष का जेल हुआ था बताइए फटाफट। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा। 33 नंबर का बताइएगा जी, HBT ब्रदर धानु जी साक्षी जी बहुत ही शानदार, 6 वर्ष का सजा हुआ था दोस्तों, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का सजा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। 33 नंबर का क्या होगा, 33 नंबर का हो जाएगा बी होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। हाँ और 1908 में दोस्तों याद रखिएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों, है ना, अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक एक लेख लिखा गया जिसमें सरकार की अन्याय पूर्ण नीति पर प्रकाश डाला था, है ना, और अंग्रेज जो है इसको पकड़ करके 6 वर्ष के लिए कठोर कारावास सजा दी गई, है ना, कौन सा जेल में दोस्तों, तो याद रखिएगा मांडले जेल में, कौन सा जेल में, मांडले जेल में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आज अगला सवाल बताइए, अधिकतम दोस्तों नरमपंथी कहाँ के थे बताइए फटाफट, अधिकतम नरमपंथी कहाँ के थे भाई फटाफट बताइएगा। हाँ बिल्कुल रंजीत जी गुड इवनिंग, फटाफट आ जाइएगा, अधिकतम नरमपंथी कहाँ का नेता थे भाई फटाफट बताइएगा, मेरा नेट नहीं चल रहा है। चलिए 34 नंबर का बताइएगा क्या होगा सही जवाब, हाँ चलिए बताइए फटाफट, नरमपंथी दोस्तों देखिए नरम आदमी जो है कहाँ का रहता है भाई, शहर का रहता है, है ना, गरमपंथी ग्रामीण, है ना, गौ से गरम गौ से ग्रामीण याद रखिएगा, गरमपंथी कौन था भाई, ग्रामीण से था,
चलिए चलिए बताइएगा, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा, बताइए कौन सा जगह। नेट नहीं चल रहा है सर, किसका नेट नहीं चल रहा है बताइएगा तो? मेरा नेट नहीं चल रहा है कि आप लोग का नेट नहीं चल रहा है बताइए फटाफट एक बार, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है कि आप लोग का नहीं कर रहा है बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आज का, बहुत ही शानदार, जगदीशपुर हो जाएगा सही जवाब, जगदीशपुर हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब आज का आप लोग का, बहुत ही शानदार। और यहाँ का दोस्तों एक जमींदार था, उसका नाम आप लोग को पता ही होगा, वीर कुंवर सिंह है ना, वीर कुंवर सिंह दोस्तों यहाँ से लड़ा था। चलिए अगला सवाल, भोज विद्रोह हुआ था भाई कब हुआ था? 36 नंबर का बताएगा, होज विद्रोह कब हुआ था? छत्तीस नंबर का बताइए फटाफट से, याद में बैठा ना हमको फल तो लेट से नहीं, धीरे धीरे चलिए बताइए होज विद्रोह भाई कब हुआ था फटाफट देगा। जी बहुत ही शानदार परफॉर्म, बहुत ही गर्दान सराज का है भाई, यही है जोश जुनून पागलपन दोस्तों, होज विद्रोह फटाफट देगा। तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा भाई याद रखिएगा 1820 और 21 के दौरान, ठीक है। चलिए आज अगला सवाल बताइए अभी तुरंत है, देखिए देखिए वही क्वेश्चन आज का भाई बताइएगा, 37 नंबर का बताइए फटाफट। जी बहुत ही शानदार परफॉर्म भाई बताइएगा, 37 नंबर का भाई गर्दा उड़ा दीजिए गर्दा, बताइए जगदीशपुर राजा थे भाई कहाँ के राजा थे? हाँ बिल्कुल जी बहुत ही शानदार, रंजीत जी बहुत ही खतरनाक। और देखिए अभी तक सभी आदमी यार लाइक नहीं किए, सभी आदमी फटाफट कीजिए फटाफट है ना। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, और ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कुंवर सिंह हो जाएगा सही जवाब, डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए बताइए तो 38 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 38, कितना क्वेश्चन होगा, लगभग 50-60 क्वेश्चन होगा है ना। हाँ चलिए बताइए फटाफट, और आज जो है 10th क्लास का लाइव क्लास नहीं होगा है ना, आज 10th क्लास का लाइव क्लास नहीं होगा। चलिए तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कौन थे, 38 का बताइएगा, 38 तो हो जाएगा भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा है ना। हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों उपराष्ट्रपति थे, लेकिन दोस्तों भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन बने थे, यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का बताइएगा, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे भाई, हजारीबाग में जो है ना इसको गिरफ्तार किया गया था, हाँ चलिए बिल्कुल रियाराज बहुत ही शानदार बहुत ही खतरनाक। चलिए फटाफट बताइएगा 1942 को भाई किसको किसको गिरफ्तार किया गया था, देखिए एक ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए 39 नंबर का बताइएगा क्या होगा, तो याद रखिए दोस्तों नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को था ना गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब है ना। हाँ आज अगला सवाल बताइएगा 40 नंबर, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, 40 नंबर का बताइएगा। जी बिल्कुल सोनी जी, ज्योति जी, प्रीति जी, रंजीत जी, धानु जी बहुत ही शानदार, रियाराज बहुत ही शानदार। चलिए 40 नंबर का बताइएगा क्या होगा भाई, 40 नंबर का जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन बताइएगा, और देखते हैं 40 नंबर को भाई कौन कौन गर्दा गर्दा उड़ाते हो भाई फटाफट। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा 40 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, तो 40 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा भाई श्रीमती राम प्यारी, राम प्यारी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइएगा सवाल, और ये कौन देखिए बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था भाई, कौन सा जेल में भेजा गया था? चलिए बताइएगा, सर आप मेरा नमस्ते ना बोल रहे हैं, चलिए अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल भाई है ना। चलिए बहुत ही शानदार, देखिए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकी पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था, पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आज अगला सवाल, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है भाई कब मनाया जाता है, तो 42 नंबर का बताएंगे सभी आदमी,
तो देखिए अप्रैल 1946 में दोस्तों जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, है ना, डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए आज अगला सवाल और साइंस क्वेश्चन आ चुका है, साइंस का 43 नंबर का बताएगा, बताइए पुरुष जीन संगठन है भाई, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ मेन, है ना, मेन में यानी आदमी में दोस्तों कौन सा पेयर होता है जीन का। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका है एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में एक्स वाई हो जाएगा। फीमेल में दोस्तों एक्स एक्स होता है, ठीक है, फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स होता है। जीन डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं भाई, जीन बोलते हैं, डीएनए के टुकड़ा को ही जीन कहा जाता है। अगला सवाल सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बताइए सार्वत्रिक दाता जो है कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, है ना। सार्वत्रिक कहेगा तो दोस्तों ऑप्शन में ओ बी होगा करेक्ट जवाब, लेकिन दोस्तों सर्वग्राही कहेगा, सर्वग्राही कहेगा, सर्वग्राही रक्त समूह जो है, है ना, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा, है ना, बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए बताइए अगला सवाल प्रकाश संश्लेषण होता है भाई कब होता है, बताइएगा 45 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भाई कब होता है, जल्दी फटाफट बताएंगे, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है 45 नंबर का बताइए, तो क्या होगा सही जवाब, तो देखिए केवल दिन में होता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सनलाइट की जरूरत होती है तो वो दिन में ही होती है। चलिए आज अगला सवाल 46 नंबर का बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, 46 नंबर का बताइएगा। जी बिल्कुल बहुत ही शानदार जवाब उसका धानु जी, ज्योति जी बहुत ही खतरनाक, प्रीति जी, तो देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है, तो वो CO2 गैस की आवश्यकता होती है, है ना, CO2 गैस की आवश्यकता होती है याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के बाद उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्तों, बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है वो CO2 निकलता है, है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 निकलता है। चलिए आज अगला सवाल जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 47 नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्म है। चलिए 47 नंबर का बताएंगे सभी आदमी क्या होगा 47 नंबर का, जी बिल्कुल 47 नंबर का बहुत ही अच्छा परफॉर्म है, सभी का आंसर आ चुका है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों लैमार्क, क्या हो जाएगा लैमार्क हो जाएगा करेक्ट जवाब, डी होगा सही जवाब दोस्तों याद रखिएगा, है ना, हाँ बहुत ही शानदार गर्दा। और दोस्तों सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत भाई, आइंस्टीन ने दिया था, इसको भी याद रखना है। चलिए बताइएगा 48 नंबर का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण भाई कहाँ किया जाता है, बताइए डीएनए का भाई संश्लेषण किसने किया था, बताइएगा फटाफट 48 नंबर का, और 48 नंबर का देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं, बताइए फटाफट, तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हर गोविंद खुराना हो जाएगा, बी होगा सही जवाब, हर गोविंद खुराना हो जाएगा, बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए आज अगला सवाल बताइए, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइएगा पानी का घनत्व अधिकतम होता है भाई कितना डिग्री सेल्सियस पे जो है अधिकतम होता है, बताइएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ऑप्शन में ए जिसका आ रहा है, बहुत ही शानदार जवाब हो चुका है, है ना, ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज अगला सवाल 50 नंबर का बताइएगा, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पार्ट पुर्जा के काम बनाने में किया जाता है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, और 50 नंबर का सी आंसर आ चुका है बिल्कुल, अभिषेक जी धानु जी और प्रीति कुमारी श्वेता बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, एल्युमिनियम विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है ना, चांदी उपलब्ध होती है बताइए बिल्कुल, और 51 नंबर का देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं 51, तो 51 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 51 का फटाफट बताइएगा दोस्तों चांदी दोस्तों कहाँ पे, तो याद रखिएगा चांदी जो है ये दोस्तों ये जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई बिहार में, है ना, आपके ये बिहार में कहाँ, तो दोस्तों जमुई जिला सब में ये पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वैसे तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है लेकिन बिहार में भी कुछ पाया जाता है, बताइए किस गैस को अश्रु गैस कहा जाता है, अश्रु गैस कहा जाता है बताइएगा, जी अभिषेक जी ज्योति जी कुमारी श्वेता बहुत ही अच्छा परफॉर्म है 52 का बताइएगा। चलिए तो भाई सबको पता है नाइट यहाँ पर अश्रु गैस के रूप में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2 हो जाएगा, है ना, SO2 जिसका सही जवाब आज का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए प्रकाश का शून्यावकाश में वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग बताना है आपको, बिल्कुल सिंपल जी बहुत ही शानदार
53 नंबर का फटाफट देगा, 53 नंबर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 3×10^8 s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3×10^8 m/s हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए आज अगला सवाल, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बस दो मिनट, तेजाब के रूप में बताइए कौन सा केमिकल का प्रयोग किया जाता है? 54 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा H2SO4 जिसका रहा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बताइएगा 55 नंबर का फटाफट देगा, है ना, आंतों की रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 55 फटाफट। और अभी तक देखिए जो भी सेशन को लाइक नहीं किया सभी आदमी सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए 55 नंबर का बताइएगा, जी बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों, 55 नंबर का बहुत ही अच्छा परफॉर्म है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है सबको पता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा फ्यूज बताना है, फ्यूज जो है सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्यूज बताइए। हाँ 60 क्वेश्चन करने वाले आज, 60 क्वेश्चन। चलिए 56 नंबर का क्या होगा जल्दी बताइएगा, तो ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है ना, सी ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज अगला सवाल, 57 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में बताएगा कौन कौन सा कण पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? बिल्कुल प्रीति जी, धानु जी, श्वेता जी, ज्योति जी, बहुत ही शानदार। तो नाभिक की बात की जाए दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में पाया जाता है, सबको पता है भाई। चलिए आ जाए, और देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। शुष्क बर्फ भाई किसको कहते हैं बताइए, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं फटाफट बताइएगा? तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों कौन सा क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? 59 नंबर का बताइए, हाँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 59 का सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस का, है ना, उत्तल लेंस का दोस्तों याद रखिएगा, सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए और आज के सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों, आखिरी सवाल, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? इंद्रधनुष जो है वो किधर दिखाई देगा बताइए जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा, और सभी आदमी से गुजारिश है कि सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट, सभी आदमी फटाफट लाइक करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, कहा कि 12 बजे दोस्तों इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देता है, है ना, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर कल शाम 7 बजे से फिर मिलते हैं आप लोग के बीच, है ना, तो इतना ही तक आज रहने दीजिए। चलिए गुड नाइट टू ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट।